गोरखपुर में दो दिन पहले कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत को भूचाल में ला दिया था। इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां मनीष की मौत का जिक्र करते हुए कहा, दो दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी थी। मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी ही होता है। दो दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी थी और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, तब मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ऐसा नारा देते हुए आज कानपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और यहां पर 556.07 करोड़ की परियोजनाओं की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 45 विकास की परियोजनाएं हैं जिनका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है। आप हमारे पीछे मंच देख रहे थे, यहीं से सोच ईमानदार काम दमदार ऐसा नारा देते हुए यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया है। साथ ही गोरखपुर में जिस तरीके से जो हत्याकांड हुआ था, पुलिस के ने जिस तरीके से मनीष गुप्ता की हत्या की है ऐसा निकल करके बातें सामने आ रही हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ ने मन से बोलते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी अपराधी हो, चाहे वो विभाग का आदमी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। साथ ही परिजनों से बातचीत करने की बात भी यहां से मंच से योगी आदित्यनाथ ने बोली है। कैमरापर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रविल गुप्ता, न्यूज प्लस कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।